हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज मैं आपको बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट या बोले बहुत ही साइंस ट्रिक सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक हाईलाइटर रखा है, एक आधा कटा नींबू रखा है और एक नोटबुक रखी है। यानी कि आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो इन सारी चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या है और उसके बाद आपको मैं इसका जो है रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा हुआ कैसे। तो पहले हम कुछ समझते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। जैसे कि आप देखते हैं, कई बार हाईलाइटर्स किस काम के लिए होते हैं? हाईलाइटर्स आपके होते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको मार्क करने के लिए। पर कई बार जो है नोटबुक के अंदर किसी गलत चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं या फिर कई ज़्यादा बार अंडरलाइन हो जाता है, तो हम चाहते हैं हम इस हाईलाइटर को रब कर दें। पर हाईलाइटर को हम रब कैसे कर पाएंगे? तो आज हम यही चीज बताने वाले हैं कि अगर कभी कॉपी के अंदर गलत लाइन पे अगर हम अंडरलाइन कर दें तो उसको हम साफ कैसे करेंगे, वो साफ हो सकता है या नहीं हो सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम पहले शुरू करते हैं अपना आज का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपको इसका मैं रीजन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं इस हाईलाइटर को इस कॉपी पे चलाऊंगा। अब देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैंने कॉपी पे हाईलाइटर चला रखा है, ठीक है। अब इस हाईलाइटर को अगर मुझे रब करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मेरे पास ये आधा कटा नींबू है, अगर मैं इसको इस हाईलाइटर के ऊपर रब करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जो हाईलाइटर है आपका यहाँ पे रब हो चुका है। आपको एक बार देखिए, आप यहाँ पे जो हाईलाइटर आपका यहाँ पे रब हो चुका है। तो ऐसा कैसे हुआ है देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए आप। यहाँ पर मैं दोबारा हाईलाइटर चलाता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पर हाईलाइटर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से ये नींबू रगड़ूंगा, ये देखिए, ये दोबारा से यहाँ पर हाईलाइटर जो है साफ हो चुका है। तो ऐसे कैसे हुआ? आखिर ये हाईलाइटर जो है साफ कैसे हो रहा है? इस नींबू की मदद से। तो आपने अभी देखा कि जैसे ही मैंने कॉपी के ऊपर हाईलाइटर चलाया और उसके ऊपर मैंने नींबू रगड़ा, तो जो आपका हाईलाइटर था वो यहाँ से पूरा रब हो चुका था। तो ऐसे कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका हाईलाइटर होता है वो आपका एक डाई से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं पायरेनिन। जो हाईलाइटर है आपका पायरेनिन नाम की एक डाई से मिलकर बनता है, जो कि बहुत इजीली रिमूव हो जाती है सिट्रिक एसिड की मदद से। अब सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है आपको नींबू के अंदर। आपने क्लास टेंथ के अंदर पढ़ा होगा, जो बच्चे सब क्लास टेंथ के अंदर हैं उन्होंने चीज़ सीखी होगी कि जो नींबू होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। जो सिट्रिक एसिड है वो पायरेनिन डाई को बहुत इजीली रिमूव कर सकता है। इसीलिए जब हमने हाईलाइटर को कॉपी को चलाया और उसके ऊपर हमने नींबू रब किया था, तो जो आपका हाईलाइटर की इंक थी, जो हाईलाइटर की डाई थी, वो इजीली यहाँ से रिमूव हो गई। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे और मज़ेदार साइंस के एक्सपेरिमेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।